राधे राधे, हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू दिस व्लॉग। मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ है, इसलिए आवाज़ शायद थोड़ा अलग आ रहा है। अगर आपको ये गवार मसाले वाला नहीं पसंद है तो ट्राई दिस सिंपल हेल्दी टेस्टी गवार बटाटे का भाजी। एक्चुअली मैं हमेशा सिर्फ गवार डाल के ही बनाती हूँ, आज गवार कम था इसलिए मैंने इसमें बटाटा भी थोड़ा ऐड कर दिया ताकि थोड़ा सा भाजी ज़्यादा बन जाए। यूजुअली सिर्फ गवार डाल के बनाती हूँ, ये बहुत टेस्टी बनता है, एकदम सिंपल फट से बनने वाला, बिना मसाले वाला और एकदम खाने में टेस्टी। अगर आपको आपके घर में भी कोई ऐसा एजेड है जिनको मसाले वाला खाना ज़्यादा नहीं पसंद है, हल्का फुल्का, तो आप ये वाला ना भाजी, मैं आपको रेसिपी दिखाऊंगी एंड में कैसा बनता है। बहुत ही टेस्टी, सिंपल है और इजी है और झटपट बनता है, तो मैं आपको पूरा रेसिपी भी दिखाती हूँ कि मैंने इसको कैसे बनाया। तो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो ये मंडे मॉर्निंग का व्लॉग है। सुबह मैंने गरम गरम उपमा बनाया था नाश्ते में, बहुत ही टेस्टी बना था। निशु का भी डबल ड्यूटी चल रहा है, निशु मॉर्निंग और इवनिंग दोनों साथ में ही कर रहे हैं। सो सुबह जाते 10 बजे, तो डायरेक्ट रात को आते 3 बजे। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि एटलीस्ट सुबह निशु घर से नाश्ता तो करके जाए पेट भर के, ताकि मेरा मन शांत रहे कि हाँ एटलीस्ट निशु कुछ तो घर का खा के गए। और उपमा निशु को भी बहुत पसंद है, तो ये एकदम महाराष्ट्रन स्टाइल वाला उपमा है जिसमें मैंने ना कूटा हुआ सिंगदाना भी डाला है रोस्टेड वाला, तो उससे बहुत टेस्टी लगता है। ऊपर से गीला नारियल में लींबू डाल के। और ये हम लोग का दोपहर का लंच था, सिंपल ग्रीन मेथी की भाजी बनाई थी पत्ते वाली, मसाले वाली दाल बनाई थी, घी डाला था इसमें, बहुत टेस्टी लग रहा था। और ये मेथम्बा था, वो मैंगो जो हमारा फेवरेट है, एंड सैलेड था, तो सिंपल था। और चावल था सिंपल, चपाती, राइस, दाल, सिंपल फूड, क्योंकि गर्मी में ज़्यादा हैवी खाया नहीं जाता, तो ये सबसे बेस्ट है। शाकाहारी खाना एकदम मस्त है, और दाल में घी डाला था तो बहुत टेस्टी लग रहा था। दोपहर को मेरा सारा काम वाइंड अप हो गया, 2:15 के आसपास हो गया था। सो अभी मैं यहाँ पे आ गई हूँ रूम में, क्योंकि मुझे पार्सल पैक करना है, बैक टू बैक सारे पार्सल चल रहे हैं, तो मैंने सब एड्रेसेस लिख के रख दिया था सुबह। अभी इनके हिसाब से मैं फटाफट यहाँ पे, मैंने आधे से ज़्यादा पार्सल में सब ज्वेलरी डाल के रखा है, सिर्फ उनको बॉक्सेस में डालना है, बबल रैप करना है, और उसके बाद उसमें एड्रेस डाल के पैक कर देना है। तो अभी मेरे पास आधा घंटा है, लेट्स सी आधे घंटे में कितना हो सकता है। सच में इतनी गर्मी हो रही है ना, और ये किड्स रूम में तो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। और ये दिशा का ना गले का मैं कब से ढूंढ रही थी कि मैंने कहाँ रख दिया, कहाँ रख दिया, मिल ही नहीं रहा था एकदम सामने ही, जो एक ज्वेलरी के पैकेट के नीचे ही था, लेकिन मुझे मिल ही नहीं रहा था। मैं परसों से ढूंढ रही हूँ, इसलिए दिशा का पार्सल भी मैंने पैक नहीं किया था, वैसे ही रह गया था। बोलते ना, कभी कभी चीज़ें आंखों के सामने होती, फिर भी आप कितना भी ढूंढ लो ना, आपको नहीं मिलता उस वक्त, और फिर आप जब दूसरा कुछ ढूंढने जाते हो ना, तभी आपको ये वाला चीज़ मिल जाएगा। तो वैसे ही हुआ, मैं दूसरे पार्सल को पैक करने के लिए वो मैंने बैग उठाया, तो उसके नीचे मुझे ये दिशा का पार्सल मिल गया। तो फाइनली मैं दिशा का भी पार्सल पैक कर दिया, तो ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ पैक हो गए। इसमें से कुछ पार्सल जाएंगे पोस्ट ऑफिस से, क्योंकि वो नॉर्मल प्राइवेट कुरियर से नहीं जाते, और बाकी के जाएंगे प्राइवेट कुरियर से, तभी मुझे वो देने जाना पड़ेगा। और सानू ने देखिए कितना मस्त ड्राइंग किया है। मैं सोच रहा हूँ अभी नेक्स्ट समर कैंप में सानू को मैं ना ड्राइंग क्लास में डालूंगी। और सानू को मैंने पोनी बांध दिया आज, मैं उसको बोला बाल अभी थोड़े लंबे हो गए ना, एक्चुअली सानू का हेयर कट कराना है स्कूल स्टार्ट होने से पहले। शॉर्ट नहीं कराएंगे, गर्ल वाले ही लुक रखेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसको शेप दे देंगे, क्योंकि थोड़ा ना शेपलेस जैसा हो गया है। और सानू बोल रहे मम्मा मत दिखा, मत दिखा करके। सो अभी मेरे पास 15 मिनट है, 3 बज के जा चुके हैं, तो धुले हुए कपड़े मैंने सुखा दिए, और जो सूखे हुए कपड़े वो निकाल के रखा, उसमें मैंने कुछ बेडशीट्स और चादर वगैरह भी धोया था, तो सब अच्छे से सूख गया, इसमें से मस्त कंफर्ट की खुशबू आ रही है। तो अभी मैं सोची इसको ऐसे रख के सोने से अच्छा तो फटाफट इनको घड़ी करके रख देती, ताकि मेरा ये काम भी ख़त्म हो जाए। तो कुछ इस तरह से मेरा 3, 3:15, 3:30 बज ही जाता है दोपहर का सारा काम वाइंड अप करते करते, और उसके बाद फिर मैं जाती हूँ सोने के लिए। मुश्किल से 1 घंटा भर सोती हूँ, फिर ऑफिस शाम को 5 बजे के आसपास पानी आता है, तो फिर उठना पड़ता है, चाय बनाना पड़ता है, पानी भरना पड़ता है, धुले हुए बर्तन जोताई धोके जाते हैं वो लगाना पड़ता है, झाड़ू लगाना पड़ता है, और उसके बाद फिर मैं सानू को लेके जाती हूँ स्विमिंग क्लास के लिए। मम्मी को जो अगर दूध कॉफ़ी जो भी चाहिए वो दे के, या तो फ्रूट्स वगैरह जो भी, मम्मी का 6, 6:30 बजे का टाइम होता है खाने का, वो सब रख के फिर मैं और सानू जाते हैं स्विमिंग क्लासेस के लिए। तो फुल डे बोलते ना, ऐसा बोलते हैं घर में ही है, क्या काम होता है, लेकिन घर में इतना काम होता है ना, छोटा छोटा, ये सब हाउसवाइफ ही समझ सकते हैं कि घर में कितने छोटे छोटे काम होते हैं। फिर हम लोग आ गए स्विमिंग क्लास से, मैंने सानू को चेंज करा दिया, पाउडर कैसे लगा के बैठ गई है देखो, और अभी उसको लगी है भूख, और उसने वापस से टीवी में लगा दिया ये
पीयूष का गेमिंग वाला चैनल, ये मुझे पता ही नहीं था, मुझे तो सौरभ जोशी का व्लॉग चैनल है वही पता था, लेकिन ये पीयूष का गेमिंग चैनल है जिसमें वो ऐसे गेम्स खेलता है तो स्क्रीन पे दिखता है। तो आज पीयूष कुनाली दोनों साथ में गेम खेल रहे, जो सानू देख रही थी, मतलब खुद से ही नया नया कुछ ना कुछ ढूंढ के ही निकाल लेती है। तो मैं उसको बोला ना व्लॉग मत देख, तो उसने बोला मैं व्लॉग नहीं देख रही हूँ ना, तो मैं पीयूष का गेमिंग चैनल देखती हूँ। तो मैं बोला ठीक है देख ले। और आज मम्मी को ना साबूदाना खिचड़ी खाने का मन कर रहा था, तो मैं स्विमिंग क्लास जाने से पहले साबूदाना को धो के सोख करके गई थी। तो मैं एकदम सिंपल तरीके से बना रही हूँ। तेल में मैंने ना मिर्ची, जीरा, कड़ी पत्ता डाल के, आलू डाल के उसको अच्छे से फ्राई करके लिया, कुक करके ले लिया। थोड़ा सा आलू डाला क्योंकि मम्मी को ज़्यादा आलू पसंद नहीं है, सिर्फ थोड़ा टेस्ट के लिए डाला था। फिर उसके बाद मैंने उसमें ड्राई सिंगदाना, रोस्टेड सिंगदाना को एकदम फाइन पाउडर करके लिया ताकि मम्मी के मुंह में ना आए, वो थोड़ा सा डाल दिया। उसके बाद साबूदाना डाला, नमक डाला, थोड़ा सा शक्कर डाला, उसको अच्छे से 2 मिनट कुक करके लिया। उसके बाद उसमें नींबू डाला और ऊपर से हल्का सा हरा धनिया डाला ताकि इसको थोड़ा सा फ्लेवर और लुक आ जाए। और ये है मेरा रेसिपी वाला व्लॉग जो मैंने आज सुबह बनाया था, बहुत सिंपल है। मैंने ना लहसुन लिया है, 5 से 6 लहसुन और मिर्ची लिया, उसको अच्छे से कूट के ले लिया है, क्रश कर दिया है। और यहाँ पे तेल गरम हो गया, इसमें मैंने राई ऐड कर दिया बारीक वाला, मुझे आजकल ना बारीक राई बहुत पसंद है। उसके बाद मैंने ये लहसुन और मिर्ची इसमें डाल दिया, हल्का सा इसको स्टर फ्राई किया, कच्चा भी नहीं रखा और पूरा इसको लाल भी नहीं किया, अच्छे से फ्राई करके ले लिया। उसके बाद उसमें कांदा ऐड कर दिया, इसमें कांदा थोड़ा ज़्यादा डालना तो अच्छा लगेगा, वो गवार का ना रॉपना या फिर बोलते ना कड़वापना नहीं फील होता है, अच्छा फील होता है खाते वक्त आपको, ठीक है। उसके बाद उसमें नमक डाल दिया और इसको अच्छे से कवर करके इसको अच्छे से पकने देंगे ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए और इसका टेस्ट मतलब सारे फ्लेवर्स मिक्स हो जाए। उसके बाद मैंने इसमें हल्दी और हींग डाला, बस इसमें कोई भी मसाला नहीं जाएगा, ना कलर वाला मिर्ची पाउडर, ना तीखा वाला मिर्ची पाउडर, ना धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, कुछ भी नहीं, सिर्फ हल्दी और हींग डालना है, मिक्स करना है। उसके बाद गवार और बटाटा लिया, यूजली मैं सिर्फ गवार लेती लेकिन आज गवार बहुत कम था इसलिए मुझे उसमें एक बटाटा ऐड करना पड़ा। और इस तरह से अगर आप बारीक बारीक बटाटा काटोगे ना तो वो खाने में भी अच्छा लगता है और स्वाद भी आता है और ज़्यादा ऐसा बटाटा बटाटा भी फील नहीं होता, बड़ा टुकड़ा रखने से ना फीका फीका लगता है। बस उसको अच्छे से मिक्स कर दिया और अच्छे से स्लो गैस पे कुक होने के लिए दिया और ये एकदम रेडी हो गया। इसके ऊपर जो गीला नारियल आता है ना वो फ्रेश वाला डालेंगे, उसके ऊपर हरा धनिया डालेंगे, अगर आपको सिंगदाना डालना है तो आप रोस्टेड सिंगदाना भी डाल सकते हो। मतलब बहुत ही सिंपल है, हेल्दी है, टेस्टी है। मतलब मैं जब से ये स्टाइल का बनाना चालू किया है ना, मैं मसाला वाला गवार बहुत, पता नहीं मैंने लास्ट कब बनाया था, तब से मैं ये वाला ही बनाती हूँ। अब विदाउट आलू भी बना के देखना, ये सच में बहुत टेस्टी लगता है विदाउट आलू भी, सिर्फ गवार, कांदा और वो लहसुन मिर्ची का फ्लेवर कांदे के साथ बहुत अच्छा लगता है। आप लोग ज़रूर ट्राई करना और जब बनाने के बाद मुझे बताना आप लोग ये सिंपल सा रेसिपी कैसा लगा। ये थोड़ा मैंगलोरियन टाइप है बट ये बहुत ही टेस्टी लगता है, आप टिफिन वगैरह में भी बना के दे सकते हो, चपाती के साथ ना खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब इस तरह से अगर आप गवार बना के दोगे ना तो ना खाने वाला भी बना देगा। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।